हमारे जीवन में होप का क्या महत्व है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक इंसान अपनी फैमिली के साथ सड़क पर जा रहा था। बड़ा हंसी खुशी का माहौल था, कार के अंदर सब इंजॉय कर रहे थे। अचानक एक ट्रक आता है और वो ट्रक उस कार से टकरा जाता है। एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसके परिवार के सारे सदस्यों की मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति को भी बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्ड है और उस इंसान के आँखों की रोशनी चली गई। उस इंसान को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने पर उस इंसान के अंदर जीवन जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वो हमेशा एक ही चीज़ सोचता रहा कि जीवन में क्या है, कुछ नहीं। अब मेरा कौन है, अब मैं क्या करूँगा, मेरी आँखें भी नहीं हैं। डॉक्टर्स ने जब उसे एक रूम में शिफ्ट किया तो वहाँ उसके साथ एक और व्यक्ति था। वो व्यक्ति उससे बात करता और उससे पूछता कि भाई क्या समस्या है। तो वो बोलता कि जीवन में मुझे अब जीने की इच्छा ही नहीं है। तो बोलता कि ये जीवन और ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है। तो उस इंसान ने उस पेशेंट से कहा कि मेरी तो आंखें ही नहीं है, मैं क्या देखूंगा कि जीवन कैसा है, ये दुनिया कैसी है। तो उस इंसान ने कहा जो पेशेंट था कि मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ एक कमरे में एक खिड़की है, उस खिड़की से मैं तुम्हें रोज इस दुनिया के बारे में बताऊंगा। सिलसिला शुरू होता है। वो पेशेंट बोलता है उस इंसान से कि आज मुझे इस खिड़की से जब मैं देख रहा हूँ तो सड़क पर बच्चे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज मुझे बारिश होते हुए दिखाई दे रही है, आज खूब सारे लोग इकट्ठा होकर के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आज बहुत सारी कार निकल रही है। तो इस तरह से वो रोज उस खिड़की से उस व्यक्ति को अलग अलग चीजें बताता, जिससे उस व्यक्ति के अंदर उन सब चीजों को देखने की एक होप जागृत हो। वो महसूस करने लगा कि मुझे भी इस दुनिया को फिर से देखना है, मुझे भी इस दुनिया की खूबसूरती को देखना है। ये सोचते हुए वो अपने अंदर जीने की चाह पैदा करने लगा। इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन एक समय आया जब उस पेशेंट की मृत्यु हो गई जो उस व्यक्ति के साथ था, क्योंकि वो कैंसर पीड़ित था। उसके मरने के बाद उस व्यक्ति को डॉक्टर लेके गए, जो इंसान जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और डॉक्टर ने उसका इलाज किया और इलाज से उसकी आंखों की रोशनी फिर से आई, वो फिर से खड़ा हो पाया। वो फिर से खड़ा होने के बाद जब वापस अपने रूम में अपना सामान लेने गया तो रूम में जाते ही वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और नर्स से बोला कि ये वो रूम नहीं है जिसमें मैं रुका हुआ था। नर्स ने कहा ये वही रूम है जिसमें तुम रुके थे। तब उस व्यक्ति ने उस नर्स से कहा कि पर इसके अंदर वो खिड़की कहाँ है जहाँ से मेरा दोस्त मुझे रोज इस दुनिया की खूबसूरती के बारे में बताता था, इस जीवन के बारे में बताता था। नर्स ने बड़ा आश्चर्यचकित होकर के कहा कि इस रूम में कोई खिड़की नहीं है और वो व्यक्ति तुम्हें कुछ कैसे दिखा सकता है, कुछ कैसे बता सकता है, वो तो खुद आंखों से नहीं देख सकता था, उसकी तो खुद की आंखों की रोशनी नहीं थी। ये सुनकर के वो इंसान बड़ा आश्चर्यचकित है और वो सोचता है कि क्या इस इंसान ने मुझे ये सिर्फ इसलिए बताई बातें ताकि वो मुझमें होप जिंदा रख सके जीवन में। जी हाँ, ये होप उस इंसान ने उस दूसरे इंसान के अंदर पैदा करी जिससे इस इंसान के अंदर जीने की चाह पैदा। ये होप होती है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है, वरना आजकल की जिंदगी में हम दूसरों से जिंदगी जीने की आशा ही छीन लेते हैं। हमें जीवन में सिर्फ ऐसा बनना है जिससे कि लोग आपको देख करके ये कहें कि ये वो इंसान है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं इस इंसान की वजह से हूँ, इस इंसान ने मुझे इस लायक बनाया, इस इंसान ने मुझे इस जीवन के अंदर ये आशा दी जिससे मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा। तो मेरे जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आपको वो होप दे सकूं जिससे आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकें। तो आप भी ऐसा बनिए जिससे लोग आपको देख करके ये कहें कि आज मैं जो कुछ हूँ वो इस इंसान की वजह। जिंदगी के तरकश में कोशिश के तीर जिंदा रखना, चाहे हार जाए सब कुछ पर उम्मीद जिंदा रखना।